नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सतगावा थाना क्षेत्र के इटाई पंचायत निवासी जालेंद्र सिंह उर्फ जनू पिता स्वर्गीय संजीवन सिंह उम्र 40 से 42 वर्ष पिछले 17 सालों से गायब चल रहे थे, जो आज सुबह से कलकत्ता से अपने घर इटाई पहुंचे। उसके बीच उसके परिजनों ने गायब होने को लेकर शासन प्रशासन के पास किसी प्रकार की सूचना नहीं दी और ना ही वो व्यक्ति 17 सालों के बीच अपने परिवार वालों को याद नहीं किया, ना ही तो वो व्यक्ति किसी फोन के माध्यम से संपर्क किया गया। वहीं उसके परिजनों से जब इस विषय पर बातचीत की गई तो परिजनों ने बताया कि इनका नाम जनू है, पिछले 17 वर्षों से गायब थे। उसके बीच 17 सालों के बीच वो व्यक्ति घर वालों से संपर्क नहीं किया। वो बचपन से कलकत्ता में ही रहता था। क्या किया कि क्या नहीं किया हम नहीं जानते। कलकत्ता से गायब हो गए थे। इसके गायब होने के बाद इस बीच इसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वही 17 सालों गायब चल रहे व्यक्ति जालेंद्र सिंह से इस विषय पर बात की गई तो बताया कि 2007 में हमारी शादी नवादा जिले के माटीपुर गांव में हुआ था। उसी बीच 2007 में कलकत्ता कमाने गए थे, वहां से हम राजस्थान कमाने चले गए थे। वही गायब हुए व्यक्ति से जब पूछा गया कि उसी बीच आपके साथ क्या क्या हुआ, आप किसी के गाड़ी चला रहे थे, कोई आपको कब्जे में रखा था, तो व्यक्ति ने बताया कि राजस्थान में हम टाटा स्टील मालिक के ऑफिस की गाड़ी चला रहे थे कि 17 सालों के अंदर आपको घर की याद नहीं आई। तो वो व्यक्ति ने बताया कि हमारे ससुराल वालों ने क्या कर दिया कि मेरा दिमाग खराब हो गया। उस बीच हमारा कोई अता पता नहीं है, वहाँ का एड्रेस बगैर पूछने पर कठपुतली ब्यूरो के बीच में रहते थे, वो व्यक्ति ने बताया। वही गायब व्यक्ति से पूछा गया कि अचानक आपको घर की याद कैसे आ गई। मेरा दिमाग ठीक हुआ तो घर की याद आई। आपका दिमाग कब ठीक हुआ? तो जालेंद्र सिंह ने बताया कि 1 साल पहले मेरा दिमाग ठीक हुआ है। उस 1 साल के अंदर आपको घर की याद नहीं आई तो उस 1 साल के बीच में घर में संपर्क कर सकते थे, लेकिन आपने संपर्क नहीं किया। आप किस लाइन में थे, सच बता रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? तो गायब हुए व्यक्ति ने बताया कि सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। वही गायब हुए व्यक्ति से कुछ एड्रेस वगैरह कुछ मांगा गया तो बताया कि सभी एड्रेस प्रूफ वही छोड़कर आए हैं, फिलहाल कलकत्ता में रहकर मार्बल मिस्त्री का काम करते हैं। 17 साल से एक आप थे ना? हाँ। उस बीच में क्या घर में फोन फान करते थे? नहीं। किसी प्रकार का संपर्क नहीं होता था? नहीं। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये अचानक आज कैसे इनको पड़ा कि मतलब कोई कुछ बताए थे आपको कि हमको कोई बाहर में रखा हुआ था या फिर कोई कब्जा में रखा हुआ था? नहीं, तो कोई नहीं बताया था। ये बताया थे क्या? नहीं। इस बीच आप लोग कहीं कुछ वगैरह जैसे होता है कि सनहा दर्ज करवाए थे थाना वगैरह में? थाना वगैरह यहाँ पर तो नहीं रहता था, कलकत्ता में रहता था। अच्छा अच्छा, कलकत्ता में की किया नहीं किया से हम लोग नहीं जानते। कलकत्ते से गायब हो गई? हाँ, कलकत्ते से गायब हो गई। अच्छा अच्छा, वहाँ पे गाड़ी चला रहे थे? गाड़ी कोई मालिक का गाड़ी चलाते थे? ऑफिस में, मतलब कौन सा ऑफिस था, क्या चीज का ऑफिस था? टाटा स्टील का। टाटा स्टील का। अच्छा अच्छा, तो उस बीच में क्या हुआ कि मतलब 17 साल से आपको मतलब घर का याद नहीं आया, आज अचानक आपको घर को याद आ गया, आप घर चले आए? घर याद आया कि इस तरह से, क्योंकि हमारा जो शादी हुआ था 2007 में शादी हुआ था और साथी से हम गायब है। अच्छा अच्छा, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कार्रवाई कर दिया था, इसलिए मेरा दिमाग सही नहीं था। ये मतलब कार्रवाई कर दिए थे? हमारे सास लोग किए थे। कहाँ आपका शादी कहाँ हुआ था? महदीपुर। ये कहाँ पड़ता है? नवादा के पीछे पड़ता है। अच्छा अच्छा, मतलब आपका ससुराल वाले कुछ ऐसा काम कर दिए थे जिससे आपका दिमाग खराब हो गया था? अच्छा, तो उस बीच में मतलब कहाँ कोई आपको राजस्थान में कोई अपना कब्जा में तो नहीं रखा था? नहीं नहीं, कोई कब्जा नहीं। अचानक आपको घर का याद कैसे आ गया? जब मैं ठीक हुआ तब याद आया घर का। तो मतलब ठीक हुआ कितना दिन हुआ आपको? ठीक हुआ वह साल भर हो गया। साल भर हुआ? साल भर में आप चाहते तो संपर्क कर सकते थे कि मतलब हाँ भाई कहाँ है नहीं है। तो हम तो ये जानकारी लेना चाहेंगे कि इस दरमियान में आप कहाँ थे या फिर किसी दूसरे चीज में थे, वो दूसरा लाइन में थे, हैं? ये तो कहने का मतलब जानकारी अब तो क्या है नहीं है, आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये तो पापा क्या बात है? सही हम बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। उस आप जहाँ रहते थे उस जगह का नंबर एड्रेस वगैरह कुछ होगा? एड्रेस है कोटपुतली और बैरोड के बीच में। अच्छा अच्छा, जाते थे। वी टाइम न्यूज के लिए कोडरमा सतगावा से कौशल पांडे की रिपोर्ट।